लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के कितने हिस्से होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे मेमोरी यूनिट, तीन टोटल यूनिट होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट में तीन किस्म की मेमोरी होती है। पहले हम दो किस्म की मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और इसके अलावा एक और मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है वो रजिस्टर होती है, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मेमोरी यूनिट के अंदर जो दो किस्म की मेमोरी हमने पढ़ी है वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन इसके अलावा जो तीसरी किस्म की एक मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। ये स्टोर करने के लिए यूज़ होती है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को। किस लिए यूज़ होती है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ये आगे दो किस्म की होती है, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी क्या है। ये प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के दो हिस्से हैं या दो पार्ट्स हैं या दो किस्म की होती है जो प्राइमरी मेमोरी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए। अब जो प्राइमरी मेमोरी जो ओवरऑल हम कहेंगे ये क्या होती है, ये टेम्परेरी होती है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हम चीज़ें सेव करते हैं ये परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होती है और जो रोम होती हैं इनमें परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, कुछ टाइम के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती। तो ये दो किस्म की मेमोरी, ये है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरी है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी के बारे में देखते हैं। एक जगह पर कंप्यूटर होता है और उसमें सीपीयू होता है। मिसाल के तौर पर ये है सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर एक मेमोरी है जो कि रजिस्टर है। दूसरी मेमोरी कौन सी है? मिसाल के तौर पर ये इस जगह पर है, वो किधर है? मेमोरी यूनिट के अंदर, यहाँ मैं एम लिखता हूँ। तो इधर इस मेमोरी यूनिट के अंदर क्या है? सेकेंडरी मेमोरी भी है और प्राइमरी मेमोरी भी है, लेकिन सीपीयू इधर है, सी वाली जगह पर। तो इधर से मेमोरी यूनिट तक जाने में ये जो केबल होती है उसको हम बस कहते हैं। बस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि बस क्या होती है। बस ऐसे समझ रहे हैं बस जो आमतौर पर मुसाफिरों को लाती है। तो यहाँ जो वो बस होती है वो मेमोरी से डेटा को लाती है, ठीक है। लेकिन जो ये बस होती है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है प्रोग्राम जो है रन होने में, तो इस तरह कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो इधर एक और मेमोरी दरमियान में लगा दी जाती है जिसको कहते हैं कैश मेमोरी। इन दोनों चीज़ों के दरमियान में कैश मेमोरी लगा दी जाती है जो कि बहुत फास्ट होती है। अब ये क्या करती है? ये जो मेमोरी में हमारी होती है मेमोरी यूनिट जो होता है उधर से थोड़ी सी मेमोरी उठाते हैं हम, जो चीज़ें बार बार यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें बार बार यूज़ हो रही होती हैं वो सारी इधर से मेमोरी से उठाकर हम किस में रख देते हैं? कैश में। कैश मेमोरी जो होती है वो फिर फास्टली बार बार जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो कैश से उठा ली जाती हैं, बस यूज़ नहीं करनी पड़ती। ये जो बस है, ये जो मैंने केबल कही है, ये बस हमें बार बार यूज़ नहीं करनी पड़ती ताकि हमारी जो है कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है वो फास्ट रहे, हमारा प्रोग्राम जल्दी रन हो, जल्दी ख़त्म हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया है ये कहाँ रखी जाती है? प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड सीपीयू। रैम यानी कि जो हमारी मेमोरी यूनिट में होती है उसके और सीपीयू के दरमियान रखी जाती है ताकि जल्दी एक्सेस हो सके। तो अब आपको मकसद समझ आ गया होगा कैशे का। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो रजिस्टर में लाने के लिए टाइम लगता है क्योंकि बस जो है वो काफ़ी स्लो होती है, इसलिए कैश हम एक लहरा सा मेमोरी बनाते हैं जिसमें वो चीज़ें जो बार बार यूज़ होनी है उनको उधर ही रख लेते हैं कैश के अंदर, वहाँ से जल्दी जल्दी वो रजिस्टर में आ जाती हैं, इसलिए कैश मेमोरी यूज़ होती है। अब एक सवाल ये आता है कि कैश मेमोरी ही क्यों? मिसाल के तौर पर
जो कैशे मेमोरी है हम रैम क्यों यूज़ करते हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ क्यों करते हैं, हम सारा का सारा कैशे के अंदर ही डाटा रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, रजिस्टर जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, उनको एक्सपेंसिव होता है यूज़ करना, तो वो कम से कम यूज़ होते हैं। इस तरह जो कैशे मेमोरी होती है ये भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो ये भी कम से कम यूज़ होती है। तो बहुत ज़रूरी ज़रूरी डेटा हम इसमें रख सकते हैं, अगर बड़ी कैश लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह हमारा कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इस तरह सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, सॉरी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सस्ती होती है या मेन मेमोरी, इसलिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और कैश थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें अहम चीज़ें होती हैं जिनको हमने जल्दी जल्दी एक्सेस करना होता है, वो हम कैश में रख लेते हैं। ठीक है, ये जो मेमोरी कैश मेमोरी होती है इसमें बस को यूज़ नहीं करना पड़ता, जैसे कि मैंने बताया कि बस बहुत स्लो होती है, तो ये अब कंप्यूटर से करीब रख देते हैं तो बस को यूज़ नहीं करना पड़ता कैश के लिए, तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो ये प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन होती है, ठीक है, और इसको मुख्तलिफ जगह पर रखा जा सकता है कंप्यूटर में, किसी कंप्यूटर में किसी जगह पर हो सकती है। ठीक है, तो ये रफली हम कह सकते हैं कि डबल इसकी स्पीड होती है रैम से। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोग्राम रैम से 1 मिनट में आता है, अगर वो उसको कैश में पड़ा हुआ है तो उधर से एक मतलब आधे मिनट में आ जाएगा, या उधर से भी जल्दी उससे भी जल्दी आ जाएगा। तो कैश का क्या मेन मकसद होता है, ये फास्ट होती है। अच्छा, आमतौर पर कैश के दो लेवल होते हैं, कैश के दो लेवल होते हैं आमतौर पर, L1 और L2, लेकिन L3 भी बाद में होता है, अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं फिर जितना हम कैश लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन आम तौर पर L1 और L2 ही लगे होते हैं। और इसके कैश के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, ये 256 KB, 6 MB और 12 MB, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना हम कैश यूज़ करते हैं, और हर लेवल के साइज़ भी जो है वो अपने हिसाब से होते हैं, लेकिन अमूमन जो साइज़ होते हैं वो ये दिए गए हैं। अब ये नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैश मेमोरी इज एक्सपेंसिव, सो हम इसको जो है ना वो क्या करते हैं, बहुत थोड़ा यूज़ करते हैं, तो इसलिए कैश मेमोरी कम यूज़ होती है। जो पहले मैंने कहा कि कैश मेमोरी हम रैम यूज़ क्यों करते हैं, सारी कैश मेमोरी यूज़ करने, अगर कैश मेमोरी फास्ट होती है तो क्योंकि महंगी होती है इसलिए हम कम ही यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह रैम जो है ना, रैम से वो डेटा जो हमें चाहिए होता है जल्दी जल्दी एक्सेस के लिए, वो इस तरह लेवल 1 कैशे और लेवल 2 कैशे में रख दिया जाता है, हो सकता है बाद में लेवल 3 कैशे भी हो। ये एक डायग्राम दिया गया है कि कैशे से कैसे रैम से डाटा इसमें जाता है, फिर आगे कैशे से सीपीयू में चला जाता है। अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा है कैशे मेमोरी, अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये दो किस्म की होती है, एक होती है RAM रैम और दूसरी रोम। रैम जो होती है ये टेम्पोरेरी होती है, वैसे तो सारी मैंने जैसे कहा कि जो मेन मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी ये टेम्पोरेरी होती है, इसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, लेकिन क्योंकि रैम ही ज़्यादातर मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है वो रैम ही होती है, रोम जो होती है ये थोड़ी सी मेमोरी होती है, इसमें चीज़ें सेव तो रहती हैं लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती है, इसमें चीज़ें परमानेंटली सेव रहती हैं, लेकिन ये चूँकि थोड़ी सी होती है ये भी बहुत महंगी मेमोरी होती है, जिस तरह कैश मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये रोम भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए इसका साइज़ भी बहुत कम होता है, इसलिए ये भी थोड़ी सी यूज़ हो सकती है, लेकिन ये मेन मेमोरी का पार्ट होता है। ओवरऑल सारी जो मेन मेमोरी है जिसमें ज़्यादातर रैम ही होती है ये परमानेंटली सेव नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा रोम का हिस्सा हम उसमें लगाते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें हमारी सेव रहें। मिसाल के तौर पर बाद एप्लीकेशन कहती हैं कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो या मोबाइल को रीस्टार्ट करें, तो वो थोड़ा सा रीस्टार्ट के लिए वो उसमें ये लिखने के लिए कि हम रीस्टार्ट क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हम रोम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन वो कंप्यूटर को ये बात याद ही ना रहे कि मैं रिस्टार्ट क्यों हुआ हूँ, तो ये चीज़ रोम में लिखी जाती है, क्योंकि रैम का डाटा तो फ़ौरन डिलीट हो जाता है, तो इसके लिए रोम को साथ लगाया जाता है मेन मेमोरी में। वैसे मेन मेमोरी टेम्पोरेरी होती है
लेकिन उसमें जो रोम वाला हिस्सा होता है ये परमानेंट होता है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले रैम से डेटा आता है जो कि कैशे में भी जाता है थोड़ा सा, या डायरेक्ट हम उसको रजिस्टर में भी ले जाते हैं। इनपुट जो है वो सबसे पहले मेमोरी में जाती है, मेमोरी से डेटा प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर से दोबारा मेमोरी में जाता है, फिर जो है ना रिजल्ट डिस्प्ले होता है। अब वैसे जो रैम है ये भी बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है, ठीक है। हम जो भी मोबाइल लेते हैं हम देखते हैं इसकी रैम कितनी है, ठीक है। जो रैम है ये भी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कैशे से सस्ती है, ठीक है। इसकी कॉस्ट हाई है लेकिन ये कैशे से सस्ती है, ये रोम से सस्ती है, ये रजिस्टर से सस्ती है, ठीक है। तो जिस मोबाइल में जितनी रैम ज़्यादा होती है हम कहते हैं हमारे मोबाइल की रैम इतनी है इसलिए हमारा मोबाइल फास्ट है। किसी की 32 GB होती है, किसी की 16 GB होती है, लेकिन जो रोम होती है ये बिल्कुल थोड़ी सी होती है, इसके लिए इसका जिक्र ही नहीं होता। वो सिर्फ थोड़ी सी हमें आरजी स्टोरेज के लिए लगाई होती है, कैशे बाज जो है ना कैशे भी बहुत कम यूज़ हो रही होती है। अच्छा, ये मेमोरी एक बना हुआ है कि कैसे यूज़ होती है सीपीयू में। सबसे पहले हार्ड डिस्क जो है सबसे सस्ती भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है। उसके बाद रैम, जो रैम होती है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, ये थोड़ी महंगी होती है। फिर आगे कैशे और भी महंगी होती है। फिर आगे सीपीयू में जो रजिस्टर होते हैं वो फिर और भी ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर होते हैं वो उससे जो है वो मेमोरी पहले कैशे से लें तो वो बहुत फास्ट आती है, लेकिन रैम से लें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, टाइम लगता है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क से उठाएं तो वो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा, हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ये एक फिगर दी गई है कि कंप्यूटर की मेमोरी काम कैसे करती है। सेकेंडरी मेमोरी, जो हम लास्ट मेमोरी हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, पहले हम पढ़ चुके हैं कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये परमानेंटली स्टोर होती है। क्या करती है, परमानेंटली स्टोर इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करती है। ये नॉन वोलाटाइल होती है, वोलाटाइल जो चेंज हो सके, नॉन वोलाटाइल जो चेंज ना हो सके। ये बैकअप के लिए यूज़ होती है कि जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ हो तो भी हमारी जो चीज़ें हैं वो सेव रहें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वो चीज़ें सीपीयू यूज़ नहीं कर रहा होता वो हम उधर स्टोर कर देते हैं। अगर सीपीयू ने यूज़ करनी है तो फिर हम दोबारा उधर से उठाएंगे उनको सीपीयू में ले जाएंगे। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, अब ये देखें ये कंप्यूटर में 500 GB तक भी लगी होती है, मोबाइलों में भी मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं आगे। तो ये जो है ये काफ़ी जो है मतलब हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है सेकेंडरी मेमोरी की, तो ये इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेव कर सकते हैं। मैंने पीछे बताया है कि जिसमें जितनी रैम हो वो लेते हैं, तो सॉरी मैं उसमें ये बता रहा था कि 16 GB 32 GB रैम होती है, 16 GB 32 GB नहीं होती, 2 से 3 या 4 GB रैम होती है, 32 GB जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। मैं जो है वो गलती से सेकेंडरी मेमोरी का बता दिया था, 16 GB 32 GB या 64 GB जो साइज़ होता है ये सेकेंडरी मेमोरी का होता है। रैम का साइज़ 2, 3 या 4 GB होता है, जहाँ मैक्सिमम 6 GB यूज़ हो रहा होता है, जो हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या इस तरह के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर 6 GB 4 GB 3 GB रैम यूज़ हो रही होती है जो मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये थोड़ी सस्ती होती है और इसलिए ये ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, लेकिन टाइम क्या है ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते प्राइमरी, इसलिए प्राइमरी मेमोरी के तौर पर हम रैम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए, फिर कैश यूज़ करते हैं और फास्ट बनाने के लिए। इनकी ये मिसालें हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है। जो जो हम सीडीज लेते हैं ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। जो कंप्यूटर की रफ्तार है वो हम मेयर करते हैं कि कितनी इंस्ट्रक्शन को वो 1 सेकंड में कर सकता है, ठीक है। ये वैसे एक हम जो है ना परफॉर्मेंस के लिए दिया गया, क्योंकि हम सीपीयू जो है ना ये मेमोरी से रिलेटेड होता है, तो जो जितनी अच्छी मेमोरी यूज होगी उतनी सीपीयू फास्ट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मेप्स और बिप्स क्या होते हैं,
ठीक है जी, आपने याद कर लेना है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को मिप्स कहते हैं, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को बिप्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।